कौन बोल रहा है? बहुत बड़ा काम किया है तुम। भाई कौन बोल रहा है? शक्ल से इतने नासमझ तो नहीं लगते हो तुम। मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ। हाँ तो बताओ ना। जिसके मुंह पर तुमने गोबर फेंका था। गोबर फेंका था? मुझे याद नहीं आ रहा। जरा याद कीजिए। आप मुझे आपके घर का एड्रेस दो, मैं वहाँ आके सारी बातें क्लियर कर दूंगा। खामोश। अरे मेरी बात तो सुनो सर। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो। सर मैंने कोई गोबर नहीं फेंका। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। बहुत हुआ, फोन रख दो वरना। तुम धमकी दे रहे हो। हाँ। ये तुम्हारे हाथ पाँव है ना, तोड़ के रख दूंगा। अरे तू है कौन जो मुझे मारेगा? तुम्हें पता नहीं है बेटे? हाँ तो बता ना। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अरे वाह क्या नई बात बताई है तुमने भाई, आग में कुछ भी डालो वो तो जलेगा ही। मुख्यमंत्री क्या होता है जानते हो? अरे तू सीएम होगा अपने एरिया का। एक मिनट, आप सीएम बोल रहे हो? बहुत बड़ा काम किया है तुमने। सर सॉरी, वो मेरी बाइक गोबर पे चढ़ गई और गोबर आप पे आ गया। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ सर, आप बताओ आप क्या चाहते हो? हम तो जनता से कुछ मांगते ही रहते। लेकिन सर एक बात बताओ, मेरी क्या गलती है? गलती तो उस भैंस की है ना जिसने वहाँ गोबर किया था। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते। नहीं सर, आप सोच के देखो, अगर भैंस वहाँ गोबर नहीं करती तो आपके ऊपर कैसे उड़ता? इसका मतलब ये हुआ कि? सर इसका मतलब ये हुआ कि गलती उस भैंस की है, आप उसे पकड़ो। तो तुझे बताना चाहिए था ना। वो सर मुझे भी अभी याद आया। शाबाश मेरे शेर। अरे थैंक यू सर। अच्छा आपने तो आपका नाम भी नहीं बताया। ये मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। अरे सर बता दीजिए। शाका। ओ अच्छा, देखा शाका जी, मैंने गोबर का पूरा केस सॉल्व कर दिया। पूरा पूरा यकीन था।